आज हमारे साथ हैं पद्मश्री जुन्यार कॉन्ट्रैक्टर साहब, बहुत बहुत आपको शुभकामना और बधाई। थैंक यू वेरी मच। आपने एक लंबा सफर तय किया है, 55 साल का। 55 साल का सफर आपका, रंगमंच का भी रहा, फिल्मों का भी रहा और टीवी से भी आप जुड़े, दूरदर्शन के लिए भी आप एडवर्टाइजिंग शॉर्ट्स भी किया है। जी जी जी, एक लंबा सफर रहा है आपका। लंबा सफर, और अभी तक सफर खत्म नहीं हुआ है। बिल्कुल, अरे शुरू हो जाएगा जी अभी और आपका सफर। उसको सेकंड लाइफ मिल गई है जी। जैसे मेरे पैर ठीक हो जाएंगे, मैं और काम चालू होगा और आई विल वर्क टिल द एंड ऑफ माई लाइफ। और हम सभी की दुआएं हैं कि बहुत जल्दी आप स्वस्थ होंगे और थैंक यू। एक जो नई पारी फिर से शुरू करने वाले हैं उसमें हम आपको देखेंगे पर्दे पर, आपके अलग अलग किरदारों को हम देखेंगे। आपने हर तरह के किरदार तो निभाए ही और उसमें गुदगुदाया भी लोगों को, हंसाया भी आपने लोगों को। मैंने सिर्फ इस तरह देखो तो आई एम अ कॉमेडियन आर्टिस्ट जी, हीरो भी लेकिन कॉमेडी करने वाला हूँ। मैं कभी सीरियस रोल नहीं करता हूँ जी, कि लोग मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे सीरियस रोल में जी। जो भी कुछ किया है मैंने वो कॉमेडी किया है। सिर्फ एक ही प्ले किया था मैंने जहाँ कॉमेडी नहीं थी, वो नाइट ऑफ जनवरी 16th, 16 जनवरी नहीं मजरते, उसमें मैं विलन था। और भी लास्ट जो फिल्म आ गई 36 चाइना टाउन, जिसमें मैं मेन विलन था। इसके सिवा मैंने कॉमेडीज किया है। ज़्यादातर आपके जो सीरियल्स आए, आपके जो किरदार थे, सब कॉमेडी हास्य कलाकार के रूप में। और आपने एक लेकिन हास्य कलाकार के रूप में आप आए, लेकिन जो दूसरे जो हास्य कलाकार हैं उनसे थोड़ा अलग हट करके आप रहे। वो सबकी अलग अलग स्टाइल होती है। जी जी, अभी हम बात करेंगे वहाँ से जहाँ से आपने ये सफ़र शुरू किया, एक्टिंग का सफ़र शुरू हुआ, अभिनय का। एक्टिंग का सफ़र शुरू हुआ था मेरी स्कूल लाइफ से। जी, स्कूल में था तब से मैं एक्टिंग करता था और अप टू दिस एज ऑफ 77 अभी भी मैं एक्टिंग ही कर रहा हूँ जी, समझा ना। ये मेरा शौक है, मेरी लाइफ है। यू सी, फॉर मी थिएटर इज एवरीथिंग, बिकॉज आई लिव थिएटर, आई ब्रीथ थिएटर। आप छोटे थे तब से आपने एक्टिंग शुरू की, तो कब आपको ऐसा महसूस हुआ कि आप अभिनय के क्षेत्र में जा सकते हैं? मैंने सोचा ही नहीं, लोगों ने सोचा कि मैं एक्टिंग कर सकता हूँ। इसलिए जो भी कोई बना रहा था प्ले, नाटक बना रहे थे, वो लोग मुझे बुला रहे थे और मैं काम करता। बाकी एक्टिंग तो मैं करने वाला ही था, लेकिन मैं साथ में पढ़ा लिखा भी हूँ। आई एम अ साइंस ग्रेजुएट, राइट, आई हैव डन माय बिजनेस मैनेजमेंट आल्सो। और मैं 19 साल मैंने फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम भी किया है जी। 1982 में जब वॉलंटरी सेपरेशन स्कीम आई थी, आई टुक अ गोल्डन हैंडशेक एंड आई वर्कड आउट ऑफ इट। वाह, तो आप किस तरह से रंगमंच में जुड़े और फिर रंगमंच से फिल्मों का सफर आप कैसे शुरू? इन एवरीथिंग स्टार्टेड ऑटोमेटिकली, वन थिंग फ्यूज्ड इनटू अनदर and that fusion became a part of Dinya Contractor's life in theater. जी, समझा। मैं स्टेज के पर काम कर रहा था। स्टेज काम करने के बाद एडवर्टाइजिंग फिल्म वाला मुझे बताया, मेरी एक एडवर्टाइजिंग फिल्म थी, वो आज तक भी फेमस है। 35 साल हो गए, लोग मुझे पॉइंट करके बोलते हैं ऐसा। फिर मैं जैसे सीरियल आ गई, सीरियल वाले लोग ने मुझे बुलाया, मैं ना किसी का दरवाज़ा खटखटाया नहीं था। वो लोग ने बुलाया कि हमारे सीरियल में काम करोगे, मैंने काम किया। साइमल्टेनियसली कि जब शाम को मेरा शो होगा तो मैं पहले शो में जाऊँगा, बिकॉज आई गिव प्रायोरिटी टू थिएटर, एंड दैट इज हाउ माई लाइफ गोज ऑन फॉर 55 ईयर्स। पार्टी आपने थिएटर को दिया? थिएटर प्रायोरिटी ऑलवेज थिएटर, लाइव परफॉर्मेंस, इसमें मजा आए तो किसमें मजा नहीं है। और आपके दौर में तो पारसी थिएटर से आप जुड़े? यस, पारसी थिएटर भी, और अभी तो गुजराती थिएटर। आपने पारसी थिएटर से, गुजराती थिएटर से, इसके अलावा हिंदी और अंग्रेजी थिएटर? ये अंग्रेजी भी किया लोग ने। हमारे थिएटर इंग्लिश था, इंग्लिश। अच्छा। हिंदुस्तानी इंग्लिश जी, जो हम बोलते हैं इंग्लिश भी, वो फॉरेन में बोलते हैं वो ऐसा नहीं होता है, जो हिंदुस्तान में बोलते हैं ऐसा। लोकल भी होती है हमारे नाटक में, तो वहाँ के पिकेडरी सर्कस का ऐसा नहीं होता है। यहाँ की सुथार गली, कालबा देवी, वहाँ में रहता हुआ कोई गुजराती, उसकी कैरेक्टर बनाते हैं। अच्छा। और वो किस तरह से अंग्रेजी बोले, उसी तरह से हम लोग अंग्रेजी बोलते हैं। वी कॉल इट इंग्लिश थिएटर। अच्छा अच्छा। फिर मैंने मराठी भी मेरा प्लेस हुआ है, अभी वो प्ले किया था अली असगर और स्वप्निल जोशी के साथ, और तेरी भी चुप मेरी भी चुप मैंने डायरेक्ट किया था, वो प्योर हिंदी प्ले था। तो दिस इज हाउ माय लाइफ गोज। अच्छा, ये जो अलग अलग थिएटर ग्रुप रहे, पारसी थिएटर रहा हो या अंग्रेजी या हिंदी या मराठी गुजराती, इस सब में अलग अलग जो कुछ थोड़ा थोड़ा सा अंतर वो बताएंगे आपकी पारसी थिएटर से जो दूसरे थिएटर से? देयर इज अ वेरी थिन लाइन ऑफ डिफरेंस बिटवीन वन थिएटर टू अनदर थिएटर जी।
थिएटर सेम है जी, लेकिन बहुत छोटा डिफरेंस है, वो छोटा वही डिफरेंस है कैरेक्टराइजेशन में। अच्छा, सिर्फ जो उसके जो चरित्र होते हैं, पात्र होते हैं, राइट, उसका राइट, उसका अपना अंदाज, राइट, जो पारसी आएगा वो पारसी तरह से बोलेगा, लेकिन वही जो हिंदी प्ले करेगा तो हिंदी में जो पारसी लोग कैसे बोलते हैं वो हिंदी में बोलेगा, बाकी टेक्निकल वो सब राइट एक जैसा होता सेम है। सेम होता है। कंडक्टर साहब, एक लंबा सफर आपका रंगमंच का रहा है और फिर फिल्मों में आए, फिल्मों में जब आप आए तो सबसे पहली फिल्म आपको याद है? मैंने जो किया था वो राज खोसला की साथ था जी, तेरी मांग सितारों से बढ़ गई, ये पहली फिल्म थी आपकी, राइट। फिर बहुत अच्छी फिल्म जो बनाई अब्बास मस्तान ने, खिलाड़ी, उसमें मैंने जो प्रिंसिपल का रोल किया था कॉलेज, वो बहुत अच्छा था जी। और लास्ट में अब्बास मस्तान जी का वह पिक्चर 36 चाइना टाउन, उसमें मैं था। इस बीच आपने टीवी सीरियल भी किया था, शोज किया था? टीवी सीरियल तो बहुत किया है जी, टीवी सीरियल का आई हैव वर्क ऑन टेलीविजन फॉर शूटिंग फॉर 23 डेज अ मंथ मैक्सिमम आई रन माय शूटिंग। वो 80s के समय से ही आपने शुरू कर दिया, टॉप पे था, तब से टॉप पे था जब दूरदर्शन की शुरुआत हुई थी, नहीं और अभी अपना दूरदर्शन था उसका जो सेकंड चैनल शुरू हुआ था उसका जो इनॉग्रेशन था भाटकर हॉल में, मैंने उसमें अंदर काम किया है जी। जी, प्रिंसिपल बने थे आप खिलाड़ी में, जवाब फिल्म में भी आप प्रिंसिपल थे, और इसके अलावा बीच में और भी फिल्में आई। हाँ, बट लेकिन बेसिकली मैं फिल्म स्टार नहीं हूँ, मैं स्टेज का आर्टिस्ट हूँ और मुझे यही करना है, भविष्य में भी करूँगा तो स्टार स्टेज ही करूँगा, स्टेज ही करेंगे स्टेज। अच्छा, आपने जो स्टेज के आर्टिस्ट के साथ काम किया या फिल्मों के जो आर्टिस्ट के साथ काम किया, इन दोनों में भी आपको बहुत अंतर दिखा होगा, जो फिल्म वाले कलाकार होते हैं वो अलग है, वो लोग का आइडिया अलग है, स्टेज वाले लोग का आइडिया अलग है। एंड आई नेवर लुक इनटू हु कौन क्या कर रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ वो मैं देख रहा हूँ जी, इसकी वजह से मेरी कैरेक्टर डेवलप होती है। तो जिसे आपने खिलाड़ी में आपके साथ अक्षय कुमार, अक्षय कुमार, तो कैसा रहा आपका अक्षय कुमार, सुपर हिट, कुछ उनके साथ याद है आपकी? सुपर हिट, कोई वाक्य आपको? ही वाज वेरी गुड, ही वाज वेरी वेरी गुड एंड वेरी प्लेजेंट। और मैं जो नॉन फिल्म वाला आदमी था तो मेरे साथ उसने बहुत अच्छा मुझे बहुत सपोर्ट किया काम करने में जी। और जो मैंने सीरियल किया था हम सब एक है, उसका एक डायलॉग बहुत अच्छा था, मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे पास बहुत पैसा है, मैं फॉरेन से आता हूँ, मैं जो मेन लड़की है उसका बाप हूँ, वहाँ से लंदन से आता हूँ यहाँ मिलने के लिए, और बस एक ही चीज़ बता रहा हूँ कि बस आप लोग कौन और मैं कौन, मेरे पास बहुत पैसा है। बड़ा हिट हुआ था, बहुत डायलॉग, सब सबको अच्छा लगा, मतलब एक ही डायलॉग था लेकिन वो सब पे छा गया, इट वेंट वेल जी जी। और शाहरुख खान के साथ कोई वाक्य आपको याद है क्या? शाहरुख खान सर इतना बड़ा सीन नहीं था, नहीं सीन कंटिन्यूटी नहीं थी, लेकिन अच्छा। काम करने में बहुत मजा आया, काम करने में मजा आया, ही इज अ डाउन टू अर्थ मैन एंड ही विल गो वेरी वेरी फास्ट जी जी जी। कई फिल्में आपकी, बाजीगर भी आई थी, बादशाह भी आई थी, अच्छा आई थी, हाँ ये सब फिल्में की आपने, क्या थे बहुत किया था, जॉगर्स पार्क में भी मैं था, जॉगर्स पार्क में भी था जुड़ा, सब कुछ किया है, आई नॉट रिमेन आइडल, बाहर निकलने का। आप रंगमंच में थे, रंगमंच अभी भी हैं, रंगमंच कर रहे हैं, और फिल्मों में आप काम करते रहे, फिल्मों में अलग अलग तरह के अभिनय करते रहे, आपके दिमाग में कोई एक आइडियल होता ना कोई रंगमंच का या फिल्मों का, ऐसा कोई रहा आपके दिमाग में? आई वॉन्ट टू डू अ थिंग, मेरी यही इच्छा है कि मैं जो करूँ वो सक्सेस होना चाहिए, दैट्स ऑल जी जी। आई डिड नॉट कॉपी एनीबॉडी बिकॉज आई एम नॉट अ ब्रांड, आई डिड नॉट कॉपी एनीबॉडी। आपकी कॉमेडी टाइमिंग भी, वो लोग सब लोग बोलते हैं कॉमेडी टाइमिंग अच्छी है, इसकी वजह से तो मैं टिका हुआ 55 साल तक। फिल्मों में आपने किरदार जो निभाए वो तो थे ही, इसके अलावा फिल्मी कलाकार भी आपकी पसंद करे हो, जैसे आपने राज कपूर की बात की, राज कपूर आपके बहुत ही पसंदीदा कलाकार, वेरी गुड, वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर्स, वन ऑफ द बेस्ट शोमैन, वो एक डायरेक्टर भी थे, एक अभिनेता भी थे, सब कुछ। किस रूप में आपको ज़्यादा अच्छे लगे? डायरेक्टर सुपर जी, जो डायरेक्शन था राज कपूर का था बहुत अच्छा था जी, बहुत अच्छा था। और एक चीज़ के उसकी सब पिक्चरों में गाना बहुत अच्छे होते हैं, 1-7 गाना अच्छे होते हैं। आपके रंगमंच के जो साथी थे, रंगमंच के जो कलाकार हैं,
उनके बारे में कुछ बताना चाहेंगे जो स्टेज पे आपके साथ काम करते रहे? बहुत लोग ने मेरे साथ काम किया, अभी तो सब लोग जिंदा नहीं है, कई हमारे गुजर गए। कांटी मरिया जी, ही वॉज अ डायरेक्टर इन हिमसेल्फ, ही वॉज अ थिएटर इन हिमसेल्फ, वो राइट वर्ड एज अ डायरेक्टर वॉज कांटी मरिया, वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर्स आई हैव वर्क्ड विद। उनके साथ आपने काम भी किया? साथ में काम किया है। और इसके अलावा फिरोज भगत है, होमी वाडिया है, बहुत अच्छे हैं आजकल के। होमी वाडिया की तो फिल्में भी बहुत हिट रही हैं। अलग बहुत अच्छे हैं। उसके बाद जो आपका सफर चलता रहा, एक के बाद एक जो फिल्में मिलती रहीं टेलीविजन में, आप सीरियल में सिर्फ काम किया? अच्छा, एक्टर तरीके काम किया है, एक्टर के रूप में? एक्टर के रूप में मैंने काम किया है। दूसरा हम सब एक है, हम सब एक है बेस्ट सीरियल, फिर दूसरा था वो शेखर सुमन के साथ कभी इधर कभी उधर, ये सब अच्छे सीरियल थे। था खीसरी बहुत फेवरेट आर्टिस्ट का पडिया है, विद वंडरफुल डायरेक्टर। नहीं मैं रोल कर रहा था खीसरी में, आई यूज़ टू कम इन डिफरेंट प्ले, लास्ट जो खीसरी फिल्म बनाई उसमें मैं जज का रोल कर रहा था, कोर्ट सीन में जज का रोल। जी 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 जी। कॉमेडी के कई सीरियल में आप, तारक मेहता में भी आप आए थे? तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता ने खुद मेरे साथ काम किया है। अच्छा, या तो ऐसे बोलो कि मैंने खुद तारक मेहता के साथ काम किया है। जी जी, प्लेयर थे लफड़ा सरन थे, रंग रसिया थे, हेलो इंस्पेक्टर, ये सब तारक मेहता का है, बहुत अच्छा प्ले। कंडक्टर साहब बड़ा अच्छा लग रहा है और आपके जीवन से जुड़ी हुई कई बातें पता चल रही हैं। हम ये जानना चाहते हैं, थोड़ा सा पीछे की तरफ लौटें, आपके परिवार में कोई था या आपको कुछ अपने जो होता नहीं अपने परिवार से कुछ लोगों को प्रेरणा मिलती है? हमारे परिवार में ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर की ओर से दो आदमी दो पारसी वो लोग काम करते थे थिएटर में। जी, वो टाइप का थिएटर, मांगवाड़ी टाइप का थिएटर। अब हमारे मेरे पेरेंट्स लोग ने बताया था कि वो लोग काम करते हैं, अभी तुमने ये चालू के रखा है काम करने का। अच्छा अच्छा, लेकिन मैंने वो लोग को कभी देखा भी नहीं है, वो लोग एक्टिंग भी देखा नहीं है। सुना आपने उनको? जी, और उनका नाम सुना भैया, बहुत पुराने का। तो ऐसा नहीं कि घर में किसी ने बताया हो कुछ या देख के सीखा हो, ऐसा कुछ नहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वो आपके मन में एक बचपन से कुछ? कोई मेरा काम में बीच में आता नहीं है, मैं किसी के काम में बीच में नहीं आता है। मुझे पूरा एनकरेजमेंट मिलता है मेरा फैमिली तरफ से काम करने का। जी जी, और वहीं से आपने काम शुरू कर दिया? जी। फिल्में अच्छा आपने जो की, उसमें आपको कोई ऐसा किरदार आपको बहुत अच्छा लगा हो, कोई जो किरदार आपने किए अलग अलग, जो एक एक्टिंग में आपने जो रोल किए, कोई ऐसा रोल जो आपको बहुत अच्छा लगा हो करके मजा आया हो? ये फिल्म में 33 चाइना टाउन में है, मैं तो घर में वो वेटर का रोल में काम कर रहा था, घर का सर्वेंट, और वो सर्वेंट जो मेन विलन निकले वो ऑडियंस को बहुत शॉकिंग था। अच्छा, तो वो आपको रोल बहुत अच्छा लगा। मैं मानता नहीं था जब बास भस्तान से बोलते थे कि आप मर्डरर है, मैंने हंस के निकाल दिया कि क्या मैं कैसे हो सकता, ब्लास्ट में मैं ही निकला। एक दौर रहा है थिएटर का, दौर तो हमेशा रहेगा, आगे भी रहेगा, नहीं चाहिए रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि आज का थिएटर जो है वो इतना पॉपुलर हो पा रहा है जितना फिल्में हो रही हैं, क्या ऐसा लगता है? बोट थिएटर अपनी स्पीड से चल रहा है, फिल्म अपनी स्पीड से चल रहा है। जो थिएटर में पैसा का इन्वेस्टमेंट होता है वो मामूली होता है, जो फिल्म में होता है करोड़ों में रुपया होता है, तो इसकी दोनों की तुलना नहीं हो सकती है। बोथ आर डिफरेंट ट्रैक्स, बट बोथ द ट्रैक्स आर वेरी फास्ट मूविंग टुडे, बोथ द ट्रैक्स आर वेरी फास्ट मूविंग। थिएटर ने तो बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग दिए, अच्छे अच्छे कलाकार दिए थिएटर से, बहुत सारे लोग। संजीव कुमार मोस्ट इम्पोर्टेंट, हरी झरी वाला, बहुत ग्रेट मैन, वो पहले थिएटर एक्टर था। उनके साथ कभी आपने काम किया? ये मुलाकात हुई थी, बातचीत हुई थी, लेकिन काम नहीं किया। काम नहीं किया, बातचीत हुई। By the time he went into film, I was doing theater on this side. बहुत अच्छे कलाकार, बहुत अच्छा आदमी। तो अगर कोई थिएटर से जुड़ना चाहता है तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि वो कैसी तैयारी करें? बस तैयारी करो श्रद्धा से, सिंसियरिटी से, और बी सिंसियर टू योर वर्क। एक ही दिमाग में रखना चाहिए कि आप जो काम कर रहे हैं इसमें किसी का और पैसे लगे हुए थे, योर बेस्ट यू टू गिव, एंड सिंसियर रहना चाहिए थिएटर में, पंक्चुअलिटी होनी चाहिए, टाइम पर रिहर्सल पे आना चाहिए, बिकॉज रिहर्सल मेक्स द थिएटर। वो सब चीज़ को ख्याल में रख के वो आगे बढ़ेंगे तो महान एक्टर हो सकते हैं।
मतलब सिंसियरिटी और ये सारी चीज़ें, सिंसियरिटी एवरीथिंग, यू हैव टू बी सिंसियर टू योर वर्क, कोई भी बिजनेस करो सिंसियर नहीं होगे तो खलास, वो ज़रूरी है। आज हमारे साथ रहे जाने माने हास्य कलाकार, रंगमंच के कलाकार, फिल्म और टीवी के कलाकार पद्मश्री डिनियार कॉन्ट्रैक्टर साहब। आज उन्होंने इतना समय दिया, हमसे बातें की, हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत शुक्रिया करने की जरूरत, ये मेरी फर्ज है, आप मेरे घर पे आए इंटरव्यू लेने के लिए, एंड आई एंजॉयड इट एवरी मिनट, आई एंजॉयड।